हर गर्मी की ये सालाना सौगात है। बिजली विभाग की मेहरबानी से छतों पर कुंडे से लटके पंखों को काठ मार जाता है और जनता को लगता है भीषण गर्मी में बिजली कटौती का करंट। हर साल की तरह इस बार भी देश की राजधानी दिन में पसीना पसीना है और रात में अंधेरे में डूबी हुई। जनता बिजली के लिए हाय हाय कर रही है और दिल्ली की बिजली कंपनियां मजबूरी गिना रही हैं कि जब डिमांड 5,314 मेगावाट की हो और सप्लाई महज 4,363 मेगावाट, तो फिर सबको बिजली मिले तो कैसे। चार चार घंटे लाइट जाती है, बेचारे बच्चे स्कूल से आते तो परेशान है, उनके लिए पानी नहीं, वो पढ़ेंगे या अपनी लाइट को देखेंगे, बच्चों के बोर्ड के पेपर है, तैयारी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आगे कॉलेज में उनका एडमिशन कैसे होगा। बिजली दिन में 4-5 घंटे जाती है, रात में भी 3-4 घंटे जाती है। बिजली से हम इतना परेशान हुए हैं और बिल इतना हमें भरना पड़ता है कि पूछो ही नहीं। अब जरा यूपी का हाल देख लीजिए। राजधानी लखनऊ में लोगों की बिजली कटौती से नींद हराम हुई तो गुस्से की आग सड़क पर भड़की। यूपी के ज्यादातर जिलों में 14 से 16 घंटे बिजली कटौती इन दिनों आम बात है। बिजली विभाग का कहना है कि डिमांड 12 से 13,000 मेगावाट की है और बिजली उपलब्ध है सिर्फ 8 से 9,000 मेगावाट। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सरकारी दस्तावेजों में यूपी के शहरों और गांवों को उनकी हैसियत के हिसाब से बिजली दी जा रही है। बेसिक पॉइंट ये है कि जो रूरल एरिया में और तहसीलों में 8 घंटे का रोस्टर है, जिला मुख्यालय में 15 घंटे का है, मंडल मुख्यालय में 17 घंटे का है और महानगरों में 20 घंटे का है और लखनऊ नोएडा गाजियाबाद 24 घंटे का है। हर कोशिश की जाएगी कि वहां तो वो उस रोस्टर को मेंटेन किया जाए, उसमें इमरजेंसी रोस्टरिंग ना हो। अब कागजों में जिन 3 शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है उनमें से लखनऊ का हाल तो आप देख ही रहे हैं। चलिए आपको गाजियाबाद में बिजली सप्लाई का सच दिखाते हैं। दिल्ली से सटे शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां रोज 4 से 6 घंटे की कटौती ना हो रही हो। सुबह देखो तो लाइट नहीं होती है, रात को देखो तो लाइट नहीं होती है, ना सोने के लिए वक्त मिलता है, ना काम करने में मन लगता है कि खाना कैसे बनाएंगे, खाना खाएंगे कैसे। प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम, अब तो थोड़ी वीकेंड चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई पे हो रहा है पर बहुत परेशानी होती है। पर बहुत ज्यादा समस्या है, बिजली नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है और पढ़ लिख नहीं पाते हैं। यही हाल नोएडा का भी है। बिजली विभाग के अफसर दावा कर रहे हैं कि नोएडा में बिजली की कोई किल्लत नहीं है, फिर भी बिजली क्यों गुल हो जाती है इसका रेडीमेड जवाब भी हाजिर है। शेड्यूल रोस्टिंग कोई नहीं है, यदि मान लीजिए कहीं ब्रेकडाउन हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं ब्रेकर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं तार टूट गया, ये चीजें संभावना रहती है, सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है तो इसमें कुछ न कुछ समस्याएं रहती है, थोड़ी बहुत रहती है। हरियाणा में तो बिजली कटौती सबके लिए पहेली बन गई है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा में 52,570 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध है जबकि यहाँ डिमांड सिर्फ 41,086 मिलियन यूनिट की है, यानी हरियाणा के पास जरूरत से 11,483 मिलियन यूनिट बिजली ज्यादा है। उसके बाद भी हरियाणा के गांव, कस्बे और शहर में बिजली कटौती से हाहाकार क्यों मचा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर साल गर्मी में पटियाला से लेकर पटना और भोजपुर से भोपाल तक का हाल ऐसा ही रहता है। सरकारें हर साल बिजली उत्पादन बढ़ाने के दावे करती है लेकिन वो बढ़ा हुआ उत्पादन जरूरत के वक्त कहां लापता हो जाता है, लोगों को मोमबत्ती और लालटेन जलाकर बिजली का इंतजार करना पड़ता है।